हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नोट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द रिएक्शंस विच वी हैव टू डू। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, पहले इस सबको नोट डाउन कर लो कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी हम पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो एग्जांपल्स होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, दैट ऑल ऑफ द एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ही समझो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, राइट? तो किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और किसके ऊपर ऐड करने वाले हैं, किसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन को अगर जनरली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे दिखा सकते हैं, एक कार्बोनिल प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप, राइट, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ तुम्हारे या तो हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं दोनों साइड, या फिर एक साइड हाइड्रोजन एक साइड एल्काइल ग्रुप, या फिर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, राइट? तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो कार्बोनिल के साथ तुम क्या करो, एक कोई भी एटम दिखा दो ए, लेट्स से दिस इज बिलो द प्लेन, जो डैश बॉन्ड होता है ये बिलो द प्लेन होता है, और वेज बॉन्ड दिखा दो एक विच इज़ योर अबव द प्लेन। ठीक है, तो इस कार्बन एटम से या इस कार्बोनिल कार्बन से एक ए एटम लगाए और दूसरा बी एटम लगाए। ए एटम इज लेट्स से बिलो द प्लेन और ये वाला क्या है, अबव द प्लेन। और ये चीज़ तो तुम्हें याद ही होगी, जब मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था कि कार्बोनिल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ ट्राइगनल प्लेनर, राइट? ये हमारी स्पीशी क्या होती है, दिस इज ट्राइगनल प्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में ये सारे एटम्स तुम्हारे लाए कर रहे होंगे। तो ऐसा तुम मान सकते हो कि ये सारे बोर्ड के प्लेन में लाए कर रहे हैं, या फिर तुम ऐसा मान सकते हो कि ये सारे एटम्स इस प्लेन में लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वाला मान लेते हैं कि यहाँ पे इस प्लेन में तुम्हारा ये कार्बोनल कंपाउंड लाए कर रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ ए और बी। ठीक है, ये हो गया ट्राइगनल प्लेनर। अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, ऐसा मान लो दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे ये अगर ए पीछे की तरफ आ गया तो ये बिलो द हो गया। ठीक है, और अगर बी आगे की तरफ आ गया तो ये अबव द प्लेन हो गया, लेकिन है तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे सारे एटम्स, राइट? तो ये तुम्हारा ट्राइगनल प्लेनर होता है इसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कार्बन एटम यहाँ पे होता है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, दिस वी ऑलरेडी नो। अब होगा क्या, किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे हम इस कार्बोनिल कंपाउंड पे। जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड बोल रही हूँ तो वहाँ पे मेरा बस यही मतलब है कि वो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। ठीक है, और कोई कार्बोनिल कंपाउंड अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन से मेरा मतलब होगा। ठीक है, आ जाओ अब आगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस चीज़ को ढूंढेगा, ये किसी ऐसी चीज़ को ढूंढेगा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? जब इसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो ये किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, ये डोनेट करेगा अपना पैसा, राइट? तो यहाँ पे देखो, कार्बोनिल हमें ऑलरेडी पता है कि ये एक पोलर बॉन्ड होता है, यस? तो ये पोलर बॉन्ड है, कार्बन आटम के ऊपर होता है एक पार्शल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है एक पार्शल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो ये पैसे देने वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स देने वाला क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक कर देता है।
ठीक है, ये था हमारा कार्बोनल कंपाउंड। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा परपेंडिकुलरली। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो वो परपेंडिकुलरली अटैक करने आएगा। तो अगर ये हमारा प्लेन है तो या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा या फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ से, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हमारा ऐड होगा, दिस इज़ एक्चुअली रिवर्सिबल स्टेप। तो ये हमारा स्टेप वन है ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, दिस इज़ योर स्टेप वन। तो इस स्टेप वन के अंदर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू शो दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्लो स्टेप, ठीक है, ये हमारा स्लो स्टेप होता है। जैसे जैसे वो अटैक करने जा रहा है ये स्लो स्टेप है, ठीक है, और स्लो स्टेप भी क्या माना जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आ जाओ आगे, जैसे अटैक हो गया तो होगा क्या, कार्बन यहाँ पे इससे ऑलरेडी ए एटम लगा हुआ है, बी एटम लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पे देखो जैसे ही इसने अटैक किया कार्बन आटम पे, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी किसके ऊपर, ऑक्सीजन आटम के ऊपर, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन आटम के ऊपर, और तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा ओ माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से बना लेना, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हुई ऑक्सीजन आटम के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, O विद अ नेगेटिव चार्ज, और यहां पे अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो चुका है। तो ये जो हमारी बीच की स्टेज बनी है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, ठीक है, या फिर सिंपली तुम इसको लिख सकते हो दिस इज अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बन चुका है ये टेट्राहेड्रल, तुम देख भी सकते हो, चार बॉन्ड कार्बन आटम से अब अटैच हो चुके हैं। तो देखो कार्बन आटम कैसे चेंज हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर से स्ट्रक्चर बन गया टेट्राहेड्रल, और साथ में sp2 हाइब्रिडाइजेशन से अब वो किस में जा चुका है, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू sp3। टेट्राहेड्रल क्या होता है, sp3, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ डबल बॉन्ड तो sp2, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन आटम से, तो ये क्या हो गया, sp3, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ योर फास्ट स्टेप, तो इसको ऐसे दिखा दो, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फास्ट स्टेप। और इस फास्ट स्टेप में होगा क्या, देखो कुछ ना कुछ तो मीडियम तुमने लिया होगा ना, जिस भी मीडियम में जिस भी सॉल्वेंट के अंदर तुम रिएक्शन करवा रहे हो उसी मीडियम से तुम्हारा एक प्रोटॉन आके इस ओ माइनस के साथ चिपक जाता है, ठीक है। जो भी मीडियम तुमने लिया है रिएक्शन करवाने के लिए, जो भी सॉल्वेंट लिया है या अटैकिंग रिएजेंट वॉट एवर यू हैव टेकन, ठीक है, वहाँ से तुम्हारे उस मीडियम के अंदर से एक प्रोटॉन आके H+ आके इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा तुम्हें, ए बी, और यहाँ पे ये क्या बन गया, ओ एच, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट फाइनली हमें मिलता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें मिला है बाय एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसे हम कहेंगे एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज एडिशन प्रोडक्ट। तो अगर तुम देखो कि ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमें पूरा रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक पहुंचना था, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे मॉलिक्यूल में ऐड हुआ है पहले तो ये न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद ऐड हुआ है एक प्रोटॉन, ठीक है। इस फास्ट स्टेप में तुम्हारा एक प्रोटॉन ऐड होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का एडिशन हो गया, तो ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटॉन हैज बीन एडेड, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या कहा, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब हम आगे बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो दो टाइप के कार्बोनल कंपाउंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो उन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है,
ठीक है, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आए तो वो किसको प्रेफर करेगा, क्या वो एल्डिहाइड को प्रेफर करेगा या वो एक कीटोन को प्रेफर करेगा, ये अब हम समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो, हम ये कहते हैं कि जो हमारे कीटोन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द एल्डिहाइड्स। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं रिएक्टिविटी का, तो हम क्या कहेंगे कि जो एल्डिहाइड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, या फिर उल्टा कह दो जो कीटोन्स हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? देखो, इसको समझने के लिए हम देखेंगे दो रीज़न। तो यहाँ पे दो रीज़न होते हैं फॉर द हायर रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एज कंपेयर टू कीटोन्स। फर्स्ट रीज़न बीइंग द स्टेरिक रीज़न। ठीक है, फर्स्ट रीज़न बीइंग द स्टेरिक रीज़न एंड सेकंड इज योर इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। अब क्या मतलब है इसका, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आ जाओ स्टेरिक रीजन पे। देखो, स्टेरिक रीजन यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस की ऑफ द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, हम यहाँ पे कितना बड़ा ग्रुप है साइज में उसकी बात करने वाले हैं। तो देखो, एग्जाम्पल लेते हैं एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। सपोज मैंने यहाँ पे लिया फॉर्मेल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच H, ठीक है, इसके बाद मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह CH3 पुट कर दिया। अब इस वाले हाइड्रोजन को भी रिमूव करके उसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, CH3 पुट कर देते हैं, राइट। अब CH3 ग्रुप ऑल टुगेदर हटा के हम इसकी जगह कुछ और ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ पे लगा दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को हमने हटा दिया और उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, CH3 CH3, और यहाँ पे भी CH CH3 CH3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जैसे जैसे हम इस साइड से उस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बोनिल के अराउंड जो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। जो हमारा साइज है एल्काइल ग्रुप का वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो कार्बोनिल के अराउंड सिर्फ दो हाइड्रोजन थे, फिर एक बड़ा ग्रुप आया, फिर दोनों बड़े ग्रुप आ गए, फिर और ज़्यादा बड़े ग्रुप आ गए। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, वैसे वैसे किसी भी न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड कि क्यों कम होती जाएगी। देखो, यहाँ पे कितनी कम भीड़ है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा जब अटैक करने, चाहे वो अबव द प्लेन आए या बिलो द प्लेन से आए, ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, तो चाहे न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आए वो इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोनिल के अराउंड दो छोटे छोटे हाइड्रोजन ही तो लगे हैं, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा बहुत ईजिली आके यहाँ पर अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर उसको यहाँ पर आना होगा तो यहाँ पर उसको थोड़ी सी भीड़ मिलेगी, CH3 थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, राइट, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी। वेयर एज जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ आए, तो देखो इसमें दिस इज़ अ कीटोन, राइट, तो इस कीटोन के अंदर उसको और ज़्यादा भीड़ मिली, क्योंकि कीटोन के अंदर दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एटलीस्ट देखो, एल्डिहाइड में तुम्हारे या तो ये केस हो सकता है या फिर ये केस, यानी कि दोनों हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एक एल्काइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन, राइट। तो एल्डिहाइड में ये सिनेरियो है, बट कीटोन्स में तो दोनों साइड ही तुम्हारे एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो ऑब्वियसली कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम ही होगी। ठीक है, क्यों कम होगी, क्योंकि कीटोन्स में दोनों एल्काइल ग्रुप्स है, स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा है कि न्यूक्लियोफाइल इस भीड़ में घुसना, उसका घुसना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओनली दिस इज़ द रीज़न कि न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना ऐसी भीड़ वाली जगह में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जितना बड़ा तुम साइज करते जाओगे अपने ग्रुप का, उतना इसका अटैक करना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। ऑब्वियसली भीड़ वाली जगह में घुसना मुश्किल है ना, जहाँ खाली है जगह वहाँ पर वो ईजिली घुसेगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी हायर एल्डिहाइड्स में, और कीटोन्स में क्या होगी, रिएक्टिविटी कम। ठीक है, ऑर्डर भी तुम ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव, देन दिस,
देन दिस. तो जैसे जैसे यू कैन राइट डाउन हियर एज द साइज ऑफ आर, और यू कैन राइट हियर एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिक्रीजेस. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. राइट, सो आई होप ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन समझ आ गया होगा, स्टेरिक रीजन तुम्हें. अब चलते हैं हमारे दूसरे रीजन पे. देखो इलेक्ट्रॉनिक रीजन के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की. इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमारे एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. ठीक है, तो चलो फिर से एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. सबसे पहले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच. फिर हम लेते हैं एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी साइड हाइड्रोजन. एसिटाल्डिहाइड ले लिया हमने यहाँ, और फिर हम ले लेते हैं लास्ट में एक कीटोन. ठीक है, प्रोपिनोन ले लिया CH3. ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन. तो इन तीनों में अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें, देखो हम इसको स्टेरिक हिंड्रेंस से तो समझा सकते हैं. स्टेरिक रीजन हम बहुत इजीली दे सकते हैं कि जैसे हम यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है. तो दैट इज़ द रीज़न कि न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक रीजन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की. तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें ये चीज़ पता है कि कौन दिखाता है, यूजुअली हमारे एल्काइल ग्रुप्स दिखाते हैं. तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है दिस इज गोइंग टू शो प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट क्या होता है हमारा, प्लस आई इफेक्ट इज योर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. राइट, अगर प्लस आई इफेक्ट कहीं लग रहा है इसका मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है. तो ये CH3 क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे होंगे टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन. ऐसे यहाँ पे देखो दो CH3 ग्रुप्स लगे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे होंगे, कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे. राइट, बट क्या कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे, देखो हमें करवाना क्या है, हमें एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, वो भी किसके ऊपर, कार्बन आटम के ऊपर. क्योंकि हमने ये देखा कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. राइट, तो एक नॉर्मल केस की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये कहेंगे कि जितना ज़्यादा ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतने अच्छे से ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर पाएगा. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो जितना ज़्यादा गरीब ये वाला कार्बन होगा ये उतने अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन्स या इसका पैसा दे पाएगा. ठीक है, जितना ज़्यादा गरीब होगा ये उतना ज़्यादा अच्छे से इसको पैसे दे पाएगा. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहा है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है. ठीक है, तो इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अब अटैक करना पसंद नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इस कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. ठीक है, इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगा, तो जब न्यूक्लियोफाइल को दिखेगा कि जब ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्यों जाके उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा. राइट, तो यहाँ पे अटैक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ करेगा अटैक प्रेफर, वो प्रेफर करेगा कि वो यहाँ अटैक कर दे, क्योंकि इस वाले कार्बन को तो कोई नहीं दे रहा ना इलेक्ट्रॉन्स, तो यही देगा जाके. ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन. तो जितना ज़्यादा हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उतने अच्छे से अटैक हो पाता है, लेकिन अगर कार्बन से कोई ऐसे ग्रुप्स लग गए जो उसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल उस
कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, वो उसी सेंटर पे अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और फटाफट से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखो एग्जांपल लेने से पहले एक लाइन नोट डाउन कर लो कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एनालॉग्स। क्या मतलब है इस बात का कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू द एलिफैटिक एनालॉग्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ लिया बेंजाल्डिहाइड और प्रोपेनल, ठीक है, एक ऐसा एल्डिहाइड लिया है जो एरोमेटिक है और एक ऐसा एल्डिहाइड लिया है जो एलिफैटिक है, तो दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, एलिफैटिक वाले की रिएक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। प्रोपेनल CH3CH2CHO एंड बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्रोपेनल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और ऐसा क्यों है ये समझो। देखो यहाँ पे हम दोनों रीज़न दे सकते हैं, तुम स्टेरिक रीज़न भी दे सकते हो और तुम इलेक्ट्रॉनिक रीज़न भी दे सकते हो। पहले बात करते हैं स्टेरिक रीज़न की, तो स्टेरिक रीज़न में हम यही देखते हैं कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे ये छोटा सा CH2CH3, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली किस पे जाके अटैक कर सकता है, ऑब्वियसली इस वाले कंपाउंड पे इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक रीज़न की, इंडक्टिव इफेक्ट की, राइट। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक रीज़न में जनरली हम क्या बात करते हैं, हम बात करेंगे अबाउट द पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CO डबल बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे बनाओ बेंजाल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे देखो ये जो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ये हमारा दिखाता है माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, दिस सी एच ओ ग्रुप इज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे दिखाएगा माइनस आर इफेक्ट, तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं काफ़ी इजीली। यहाँ पे होगा क्या, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे ऑन दिस बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे फर्दर ऑन द ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है बेंजीन से टुवर्ड्स द CHO ग्रुप। तो देखो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जबकि हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए क्या चाहिए कंडीशन, कि जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है ये कम से कम इलेक्ट्रॉन्स वाला हो, राइट, इसके पास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर इसको ऑलरेडी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना प्रेफर नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू द माइनस आर इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, ठीक है, जिसकी वजह से द कार्बोनिल कार्बन बिकम्स लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अगर वो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल नॉट टेक प्लेस रेडिली, ठीक है, आई होप ये रीज़न समझ आ गया होगा। इसको फर्दर समझने के लिए तुम पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो ऑल दो बेंजाल्डिहाइड के, अगर तुम्हारा मन करे तो, बट इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, वैसे तुम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो, बट इस एक स्ट्रक्चर से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है CHO पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इतना रहा ही नहीं तो इस पे रेडिली अटैक नहीं हो पाता है, वेयर एज इन दिस केस CH3CH2CHO इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो एक ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा कार्बोनिल कार्बन पे, राइट, इसको भी बना लो CH CH2 CH3। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा होगा, ऑब्वियसली दे रहा होगा, बट इसके कंपैरिजन में तो कमी है ना,
ठीक है, यहाँ पे ये तो रेजोनेंस इफेक्ट से दे रहा है, ये तो बस यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है, तो रेजोनेंस से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसके पास इंडक्टिव से, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो पोलैरिटी होती है इसकी C डबल बॉन्ड O की जो पोलैरिटी है वो इसके अंदर डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस इन दिस केस, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियोफाइल इतना रेडिली अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। पोलैरिटी का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, राइट, जितना ज़्यादा पॉजिटिव जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हाई पोलैरिटी होगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो पोलैरिटी इन दिस केस डिक्रीजेस ड्यू टू विच कार्बन बिकम्स लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी एबल टू अटैक रेडिली, ठीक है। बट इस केस में पोलैरिटी ठीक ठाक रहती है तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली तुम्हारा यहाँ पे अटैक कर जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज इट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड।